हम लोग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिकरेंस प्रॉपर्टीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो देर आर सिक्स रिकरेंस फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज इन लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला इज एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स माइनस एन पी एन माइनस वन एक्स। नंबर टू एन ऑफ पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स। थर्ड नंबर इज टू एन प्लस वन पी एन एक्स। पी एन एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, इट इज लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। पी एन एन प्लस वन डैश डैश जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पी एन एन प्लस वन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स। नेक्स्ट इज पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स पी डैश एन माइनस वन एक्स प्लस एन पी एन एन माइनस वन इंटू एक्स। नंबर फाइव इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स जो है इसका ये वेरिएबल। सो पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स। एंड नंबर सिक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स माइनस एक्स पी एन एक्स। सो एक एक करके हम लोग यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज जेनरेटिंग फंक्शन वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू पी एन एक्स जेड एन जेड टू द पावर एन। इस प्रॉपर्टी को, ये जेनरेटिंग फंक्शन के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग एक एक करके सारे रिकरेंस फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट रिकरेंस प्रॉपर्टी हमारा था एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स माइनस एन पी एन एन माइनस वन। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि जेनरेटिंग फंक्शन को यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। सो जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू समेशन जेड टू द पावर एन पी एन एक्स। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड। जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स का टर्म मेरा कॉन्स्टेंट होगा और जेड का टर्म ही सिर्फ डिफरेंशिएट होगा। तो वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड टू दावर जेड स्क्वायर टू दावर हाफ, तो पावर हाफ का डिफरेंशिएशन माइनस हाफ। वन माइनस टू एक्स जेड टू दावर माइनस हाफ प्लस वन, दैट इज माइनस थ्री बाई टू हो गया ये। देन इसके बाद वन का डिफरेंशिएशन जीरो, यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएशन वन होगा, टू एक्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सो इसलिए माइनस टू एक्स, और जेड स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया टू जेड। सिमिलरली यहाँ पे जेड टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन टाइम्स जेड टू द पावर एन माइनस वन पी एन एक्स। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वन माइनस टू एक्स जेड स्क्वायर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने से यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, टू कॉमन ले लिए माइनस टू कॉमन। सो ये माइनस टू से पहले का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, टू टू कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस थ्री बाई टू है और हम लोग पावर वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस थ्री बाई टू और पावर वन जो कि बेस दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर समेशन एन जेड टू द पावर एन माइनस वन पी एन एक्स। नेक्स्ट एक्स माइनस जेड को आगे लिखेंगे और इसके जगह पे ये जो हमारा टर्म है, ये हम लोगों ने जानते हैं किसका वैल्यू होता है, ये हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं जेनरेटिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे समेशन जेड टू द पावर एन पी एन एन एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर एन टाइम्स जेड टू द पावर एन माइनस वन पी एन एक्स। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ जेड टू द पावर एन ऑन बोथ साइड, जेड टू द पावर एन के कोफिशियंट को दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स का टर्म जब मल्टीप्लाई होगा जेड टू द पावर एन से, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स पी एन एक्स। तो एक्स टाइम्स पी एन एक्स, तो जेड टू द पावर एन का कोफिशियंट यहाँ पे हमको मिलेगा। नेक्स्ट जब जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो होगा लेकिन जेड टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा। तो हमें तो एन का कोफिशियंट को तो कंपेयर नहीं करना है, हमें जेड टू द पावर एन के टर्म को कोफिशियंट का कंपेयर करना है। तो एक टर्म हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा, तो ये हो जाएगा पी एन माइनस वन इंटू एक्स, पी एन वन माइनस वन एक्स का वैल्यू यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है मल्टीप्लाइड
वन से टर्म मल्टीप्लाई होगा, यहाँ चेक टू द पावर एन का कोफिशियंट है एन माइनस वन का, दैट मीन्स हमें एन की जगह पे क्या पुट करना होगा, एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन की जगह पे एन प्लस वन और पी एन की जगह पे हो जाएगा पी एन प्लस वन। नेक्स्ट टू एक्स जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जेड का टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा जेड टू दी पावर एन माइनस वन से, तो ये हो जाएगा जेड टू दी पावर एन, सेम टू सेम इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स एन क्या, टू एक्स एन पी एन एक्स। नेक्स्ट जेड स्क्वायर का टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा जेड टू दी पावर एन प्लस वन, दैट मीन्स जेड टू दी पावर एन लाने के लिए हमें एक टर्म बैक जाना होगा, तो एन के जगह पे हमें पुट करना होगा एन माइनस वन का टर्म, सो ये हो जाएगा एन के जगह पे एन माइनस वन और पी एन के जगह पे हो जाएगा एन माइनस वन एक्स। अब हमें जो प्रूफ करना है वहां पे लेफ्ट हैंड पार्ट में पी एन प्लस वन है, तो पी एन एन प्लस वन टर्म को एक साथ लिख लेंगे और बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड पार्ट में लिख लेंगे, तो राइट हैंड पार्ट में लिखने के बाद हमारा वैल्यू हो जाएगा ये पी एन और पी एन दोनों सेम है, दोनों में कॉमन ले लिए पी एन एक्स, तो एक्स टाइम्स टू एक्स एन हो गया और ये हो गया माइनस एन माइनस वन प्लस वन पी एन एन माइनस वन। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन एक्स टाइम्स पी एन एक्स और यहाँ पे वन और वन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन पी एन एन माइनस वन इंटू एक्स और एलएसएस और आरएसएस जो है मेरा सेम है। तो इस तरह से ये एक मेरा पहला रिकरेंस फॉर्मूला हुआ जो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब सेकंड डिफरेंशियल रिकरेंस प्रॉपर्टी। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स पी एन डैश एक्स माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स। डैश कहने का मतलब यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है। So using generating function of Legendre differential equation that is 1 minus 2x z plus z square to the power half is equal to summation z to the power n p n x. इसको हम लोग मान लेंगे equation number 1 and then differentiating जैसे हम लोगों ने previously 1 में किया वैसे same to same हम लोग वही same procedure से आएंगे और equation number 2 तक आएंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार revise कर लेते हैं। Differentiating both side with respect to z, z के term में इसको differentiate किए तो ये हो गया minus half 1 माइनस टू एक्स जेड जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन। अगर इसको हम लोग पूरे को x मान लें तो हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n माइनस वन होता है, सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पे माइनस हाफ माइनस वन माइनस थ्री बाई टू एंड देन जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा टू जेड और यहाँ पे जेड टू द पावर n माइनस वन इंटू n टाइम्स। नाउ माइनस टू कॉमन ले लेंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड वन माइनस टू एक्स जेड जेड स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू माइनस इक्वल टू समेशन एन टाइम जेड टू द पावर एन माइनस वन पी एन एक्स इक्वेशन नंबर टू। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही किया था। नेक्स्ट अब इक्वेशन वन को फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो याद रखना है जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का टर्म डिफरेंशिएट होगा z का टर्म कांस्टेंट होगा, तो सेम टू सेम इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया। अब चूंकि इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा माइनस टू जेड और जेड स्क्वायर का हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे माइनस टू जेड हुआ, यहाँ z टू द पावर n और pn pn x का डिफरेंशिएशन हो गया pn डैश x, डैश जो है इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करता है। नाउ माइनस टू कॉमन लेके कैंसिल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा जेड टाइम्स वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री बाई टू समेशन जेड टू द पावर एन पी एन डैश एक्स क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ डिवाइडिंग टू बाई थ्री, क्वेश्चन नंबर टू को थ्री से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो ये इक्वेशन अपन में न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म दोनों इजिली कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x माइनस जेड अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें सो x माइनस जेड इंटू दिस एंड जेड इंटू दिस, सो x माइनस जेड समेशन जेड टू द पावर n पी एन डैश x एंड देन जेड इज मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स जेड टू द पावर 1 एंड जेड टू द पावर n माइनस 1 वी हैव जेड टू द पावर n पी एन x। Now equating the coefficient of z to the power n on both sides,
तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जेड टू दी पावर एन के कोफिशियंट को खोजते हैं क्या है। सो पहला टर्म जब एक्स से ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो जेड टू दी पावर एन है, तो इसके साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स और पी एन डैश एक्स, तो ये हो गया एक्स पी एन डैश एक्स। लेकिन जब जेड का टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा जेड टू दी पावर एन प्लस वन, दैट मीन्स हमें चाहिए एन और मिल रहा है एन प्लस वन, दैट मीन्स एन के जगह पे हमको पुट करना होगा एन माइनस वन, तभी हमारा टर्म क्या बनेगा एन। तो ये टर्म जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे एन के जगह पे एन माइनस वन एक्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ जेड टू दी पावर एन के साथ मल्टीप्लाई है एन पी एन एक्स, तो यही हमारा था एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स पी एन डैश एक्स माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स। ये हमारा हो गया सेकेंड रिकर्सन प्रॉपर्टी। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थर्ड रिकरेंस प्रॉपर्टी। सो नंबर थ्री प्रॉपर्टी इज 2n प्लस 1 pn x माइनस n प्लस 1 डैश x माइनस pn माइनस 1 डैश x। सो फर्स्ट हम लोग इसको यूज करेंगे जेनेटिक फंक्शन को नहीं यूज करते हुए, रिकरेंस प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो रिकरेंस प्रॉपर्टी नंबर 1 आर दैट इज रिकरेंस फार्मूला नंबर 1 n प्लस 1 pn x जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं 2n plus 1 x pn x minus n pn minus 1 into x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा n plus 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा pn dash n plus 1 x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा u into v के मेथड से होगा। सो फर्स्ट टर्म में x का डिफरेंशिएशन 1 और नेक्स्ट टर्म में x कांस्टेंट और pn dash का डिफरेंशिएशन हो गया pn dash x। नेक्स्ट n टाइम्स pn, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा pn n माइनस वन डैश x। रिकरेंस प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे, 2 है हमारा ये, और यहां से हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये है x टाइम्स pn डैश x n pn x pn माइनस वन x। अब ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x pn डैश x फ्रॉम 3 इंटू टू, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे टर्म्स हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और विदाउट अदर्स टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो इस दोनों में हमारा 2n plus 1 कॉमन है, 2n plus 1 कॉमन, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 1, तो 1 plus n। यहाँ पे इस दोनों को टर्म को लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म और ये, तो यहाँ पे हो गया 2n plus 1 minus n, तो ये हो गया n plus 1 और यहाँ पर भी n plus 1 into 2n minus 1, 2n plus 1, तीनों टर्म में हमारा n plus 1 कॉमन है, तो कॉमन लेके इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, हमारा टर्म रह जाएगा pn plus 1 dash x 2n plus 1 pn dash pn x pn n minus dash x। अब हमें प्रूफ जो करना है वो इस प्रूफ करना है, तो ये हम लोग लिख लेंगे 2n plus 1 pn x is equal to pn plus 1 dash x minus pn minus 1 dash x। ये हमारा रिकरेंस प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इजीली हम लोग जेनेटिक फंक्शन और जो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 है इसको यूज करते हुए नंबर 4, 5, 6 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।